गृह प्रवेश मुबारक ठाकुर साहब। थैंक यू। इस जंगल में क्या शानदार हवेली बनवाई। इस शुभ अवसर पर जानकी देवी जी का वीणा वादन तो सोने पे सुहागा है। जल्दी मेहमानों के खाने का बंदोबस्त कीजिए, वक्त हो गया। जरूर, खाने का, बुलाने का, नहाने का, सुलाने का, निशाने का वक्त होता ही है। कहिए तो मैं कुर्सियां लगवा दूं, टेबल सजवा दूं, चादर बिछवा दूं। जी हाँ, और ये सब कुछ करने के बाद एक मेहरबानी जरूर कीजिएगा। फरमाइए। खाना लगवाना मत भूलिएगा। पंडित जी, जी तुमने आज जानकी देवी के गले में पड़े हुए उस राजकमल हार को देखा? उसकी कीमत लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। अगर हमें वो हार मिल जाए तो हम दुनिया में सबसे बड़े रईस बन सकते हैं। लेकिन मिलेगा कैसे? चलाकी से, ताकत से, हिम्मत से, नफरत से, मोहब्बत से। वो हार हमें चाहिए। कल विजयादशमी है और जानकी देवी पूजा के लिए तुम्हारे मंदिर में पधार रही हैं। पुजारी जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जानकी देवी, आप एक बार मंदिर की परिक्रमा कराइए। अच्छा पुजारी जी। ओम नमः शिवाय। तो कुछ नहीं हुआ, मगर हाँ हो सकता है। मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। आज शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। क्या हुआ, आप इतनी घबराई भी क्यों? ये सब मैं बाद में बताऊंगी। ये हार तुम अपनी देवी के गले में डाल देना और याद रखो, जब तक मैं नहीं आऊं तुम किसी को नहीं देना। ये राज तुम्हें अपने जिंदगी के साथ रखना होगा। कहाँ है राजकमल हार? नहीं बताऊंगी। बताओ कहाँ छुपा है। हरगिज नहीं बताऊंगी। नहीं बताएंगे तो जान से जाएगी। सब के सब निकम में हो। एक एक को गोली मार दूंगा अगर मालकिन नहीं मिली तो। सारा जंगल छान मारा सरकार, समझ में नहीं आता मालकिन को जमीन खा गई या हवा में उड़ गई। ये कैसे हो सकता है? एक नहीं हजार आदमियों को भेजो, जंगल का कोना कोना ढूंढे। मुझे मेरी जान की वापस चाहिए। आई वॉन्ट हर बैक। पुजारी जी, यह तुम्हारा मंदिर है या डाकू लुटेरों का अड्डा? मेरी जान की वहां पूजा करने गई। आखिर भगवान को मुझसे या जानकी से क्या दुश्मनी थी? बात दुश्मनी की निकली है सरकार, तो कुछ अर्ज करूं? क्या कहना चाहते हैं सरकार? मालकिन के गले में था वो कीमती राजकमल हार, और आप जानते हैं सूरज प्रकाश शिकारी पहले भी कई बार आपसे वो हार मांग चुके हैं, और आजकल भी वो शिकार के बहाने जंगल में तो बैठे हुए हैं। काश नहीं तो आपके घर में अंधेरा नहीं किया सरकार। दीवान जी, मुझे मालूम है जरूर मालकिन के बिना आपके दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे तो शक है कहीं उस दुष्ट राक्षस ने ही मालकिन को। प्रकाश, सरकार गृह प्रवेश के दूसरे ही दिन जिस हवेली ने हमारी मालकिन को हमसे जुदा कर दिया, किसी बुरे मुहूर्त बुरे शगुन की निशानी है यह हवेली। पुजारी जी सच कह रहे हैं सरकार। जिस हवेली में कदम रखते ही हमारी जिंदगी हमसे रूठ गई, हमारी जान की हमसे दूर हो गई, उस हवेली में अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस हवेली में अब कोई नहीं रहेगा। यह घर नहीं शमशान है। उजड़ जाने दो, खंडर हो जाने दो इसे। दीवान जी, हुजूर, फौरन हमारे शहर जाने की तैयारी कीजिए। हमारी स्टेट की देखभाल हम आपको सौंपते हैं। जैसी आपकी इच्छा हुजूर।
सरकार, गाड़ी तैयार है? जी तैयार है। गुड। डैडी, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा बेटा, कार्तिक को प्रणाम करो। तेरा भी जवाब नहीं दाई माँ। घर से बाहर कदम रखा नहीं मैंने कि पहले रास्ते में आरती लेकर खड़ी हो गई। अरे अब तेरा ये लाडला बच्चा थोड़ी है कि किसी की नजर लग जाए या कुछ हो जाए उसे। तुझे क्या पता, जंगल में खतरा साए की तरह इंसान का पीछा करता रहता है। भगवान का दिया सब कुछ है इस घर में, आखिर शिकार विकार खेलने की जरूरत क्या है तुझे। I love it, दाई माँ। और फिर जिंदगी में अगर कोई थ्रिल ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या है। ए मिस्टर। यस मिस। दिखाई नहीं देता? देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? इन आंखों से उन आंखों को देख रहा हूँ जो झील की तरह गहरी हैं और कमल की तरह सुंदर, भव्य है, जैसे किसी ने कोई तीर खींचकर कमान पर रख दिया हो। तुम आदमी हो या खुशामती टट्टू? टक्कर क्यों मारी? दिक्कत ने पीछे क्या लिखा है? हाँ, सच पूछो तो जो पीछे लिखा है उसे देखकर ही टकराने को जी जाता है। क्या ख्याल है, हो जाए? क्या हो जाए? जो इश्तेहार पीछे छाप रखा है, किस मी। यहाँ नहीं, यहाँ देखो। क्या संकी हो शायद, लगता है नई नई ड्राइविंग सीखी है। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैं पूछती हूँ। क्या पूछती हो दिलबर, कसूर ना तुम्हारा है ना मेरा। मर्दाना कार के सामने जनाना कार आ जाए तो कौन टकराए बिना रह सकता है। डबल मीनिंग वाली बात करते हो, अपना कसूर भी नहीं मानते। सॉरी कहो ना। मैं सॉरी कहता हूँ ना, मैं सॉरी पहनता हूँ। सॉरी की आदत नहीं मुझे। ओह माय गॉड, गाड़ी छूट जाएगी। हाय, गाड़ी भले ही छूट जाए मगर साथ नहीं छूटना चाहिए। क्यों बजर बट्टू? हाय मलाई के लड्डू। Arriving tomorrow, receive at the station, Kavita. क्यों सरकार, शायद कोई है ना खुशखबरी? अबे उल्लू के पत्थे, इस जन्म में तू कभी किसी के लिए खुशखबरी लाया है क्या? सरकार, एक बार जरूर लाया था, शायद जब मैं पैदा हुआ था। मेरी माँ बड़ी खुश हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद से न जाने आज तक क्या हो गया है, ये बंसी किसी की बंसरी नहीं बजा सका।
डैडी देखिए ये तारा है, कल कविता आ रही है। आ कविता, जो कवि की कल्पना से भी अति सुंदर है, तो उसके आने की खबर सुनकर तेरा दिल कलंदर की तरह उछलने क्यों लगा है? सिकंदर बन, कविता हम दोनों का मुकदर बदलने के लिए। ओहो, आपको भाषण सूझ रहा है डैडी, और मैं ये सोचकर घबरा रहा हूँ कि वो यहाँ आकर क्या देखेगी, क्या करेगी। अरे तेरी तबीयत तो हमेशा मुर्गी की तरह खौफ के अंडे दिया करती है। कविता जवान है, खूबसूरत है, सोने की मूरत है, बस पैंतरा मारो उसे, शीशे में उतारो। अगर तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे हमेशा के लिए अपने पिंजरे में कैद कर लिया ना, तो सारी जायदाद अपनी, मरम्मत का खतरा नहीं, बलि के लिए बकरा नहीं, समझे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो इससे पहले जो समझे हो उसे भूल जाओ। फौरन बंसी को स्टेशन भेज दो, हमें कविता का स्वागत करना होगा पूरी तैयारी के साथ। ओके डैडी। आपकी बज रही थी शायद, एक अच्छे भले आदमी को नींद से जगा दिया। अगर मुझे गुस्सा आ गया, मारते मारते आपकी तशरीफ लाल कर दूंगा। और अगर मैं आपके थोबड़े पर एक तमाचा रसीद कर दूं, तो पांचों की पांचों उंगलियां जम जाएंगी। और मैं आपकी इन उंगलियों को कच्चा चबा जाऊंगा शायद। आप जानते नहीं, मैं कविता टी एस्टेट का जनरल मैनेजर हूँ। आपकी बज रही है शायद। एक लाभ पाऊं ना शायद। शायद क्यों, इसका तो शर्तिया इलाज है, जरा झुक जाइए। अरे झुक जाओ, झुक जाओ। अरे मुझे नहीं, इसको मारो, इसको, इसको। कमाल है, आप तो जादूगर हैं। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या है। ट्रेन की सीटी, इस ट्रेन से हमारी कविता मेम साहब आ रही है। हमारी कविता मेम साहब आ रही है। अरे इस ट्रेन से मेरा यार आ रहा है राजा। ओफो, जितना कद नहीं उससे लंबी हाथ में राइफल ले चल रही, अटका दिया ना हमें भी अपने साथ। किस कमबख्त को जरूरत है तुम्हारे साथ अटकने की, निकलो। हाँ हाँ, इतना बुरी तरह फंसा हूँ कि निकलना भी मुश्किल है। हाय हाय मलाई के लड्डू। हेलो राजा, आहा, मुझे सिंगल की उम्मीद थी, तुम डबल होकर आए हो, चुपके चुपके शादी भी कर ली। शट अप, इस बजर बट्टू से कौन शादी करेगा। नमस्ते कविता जी, मैं कविता टी एस्टेट का जनरल चपरासी हूँ, आपके स्वागत के लिए आया हूँ शायद। ओ, अगर मुझे मालूम होता कि आप अपने पति के साथ पधारने वाली हैं, तो मैं भी शायद। शट अप, इस खुर्चन के साथ कौन शादी करता है। इडियट, चलो बंसी। चलो 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 चलो। गणेश, मैम साहब राइफल के साथ साथ गाड़ी भी चलाती हैं, अपने आप को क्या समझती है पता नहीं। बंसी, ये जनाब अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, शहर से लेके यहाँ तक चिमगादड़ की तरह चिपके हुए। चलिए चलिए, आपने इतना मान तो लिया कि हम आपके साथ चिपके हुए हैं। यू जंगली, पीछा करो, कम ऑन, राजा छोड़ना नहीं, आगे बढ़ जाओ, आज इसको छोड़ेंगे नहीं, चल चल। अरे कहाँ जा सकती है बच्चे, भाग राजा। सत्यानाश हो गया शायद, अगर आपने हवाई जहाज की तरह फोर्स लैंडिंग ही करनी थी तो पहले बोल दिया होता, दो चार पैराशूट साथ में रख लेता शायद। के बच्चे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आगे रास्ता खराब है। अरे आप तो आगे आगे भाग रही थी, मैं बताने के लिए पीछे रह गया था शायद। अरे आप कहाँ जा रही हैं? सुनिए, मैं पैदल जा रही हूँ, तुम जीप लेके हवेली आ जाना। मेहन साहब, आपने तो ऐसे कह दिया जीप लेके हवेली आ जाना, जैसे मैं कोई सुपर मैन हूँ शायद। सुनिए, हेलो मिस चिपकली, देखो रास्ता बहुत लंबा और सामने भयानक जंगल, तुम्हारा अकेले जाना बहुत खतरनाक है। अगर तुम मेरी खुशामद करो तो मैं तुम्हें अपनी जीप में लिफ्ट दे सकता हूँ। तुम्हारी खुशामद करो? हाँ? मैं पैदल जा सकती हूँ। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत शिकार, न जाने कौन से शेर के हिस्से में आने वाला है। गणेश, पीछा करो गुरु, पीछा करो। तैयार? बाय बाय बंसीलाल, बाय बाय। अबे हंसता,
एक तू नाजुक तुझे कवारी जून का गरम महीना आ गाड़ी में बैठ जा चुप से ओ मगरूर हसीना खींच जाए टूट न जाए तू धागे की डोरी ओ गोरी शहद की छोरी चली कहाँ नखरे से मिलते तो हम दोनों लगते चांद चकोरी ओ गोरी शहर की छोरी चली कहाँ नखरे से ओ गोरी शहर की छोरी चला कहाँ नखरे से तेरी पतली कमर बल खाए ओ रब खैर करे झटका ना मुझे लग जाए ओ रब खैर करे याद है ना जी। अरे बेटी तुम कब आई? अभी अभी आई हूँ दीवान जी। तो तुम अकेली आई? मैंने तो बंसी को भेजा था। बंसी और हमारी जीप दोनों खड्डे में पड़े हैं। खड्डे में है भगवान, तुम तो खैरियत से हो ना? मेरी चिंता ना कीजिए, एक आदमी मुझे यहाँ तक जीप में छोड़ गया। चलो ठीक है, तुम सफर में थक गई होगी ना, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। पूरी 4 लक्स की टिकिया खत्म कर चुका हूँ अपना वो मेकअप उतारने के लिए। माफ कर दे यार, मौका ही ऐसा था। जी हाँ, उस वक्त तो हम कबाब में हड्डी थे, हम तुम्हारी पोजीशन समझते थे। अरे कॉलेज में हमने ऐसे कई चक्कर चलाए यार, ये बात दूसरी है कि उन चक्करों में हम खुद ही चक्कर खाते रहे और हाथ में कुछ नहीं आया। किस्मत ने हमको जंगल का ठेकेदार बना दिया, सो ठेकेदारी कर रहा। बस एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या? रात रात भर जंगली जानवरों के डर के मारे नींद नहीं आती यार। अरे डरता क्या है, बहादुर बन बहादुर। हाँ इसीलिए तो तुमको यहाँ शिकार करने के लिए बुलाया है, ताकि दोनों का काम हो जाए, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाए और मेरा डर भी निकल जाए। ये क्या बला है? ये बला नहीं, इसका नाम बिल्ला है, अपने घर का रसोईया है, बेचारा गूंगा है। मैं तैयार हूँ डैडी, कैसा लग रहा हूँ ना सुंदर? तो खड़े क्यों हो बंदर, जाते क्यों नहीं हो अंदर? जाता हूँ डैडी, पहले जरा अपने आप को सवार तो लूं। लव यू आई लव यू, लव यू आई लव यू। ओ हेलो प्रेमी। कविता कैसे हो तुम? क्या पूछती हो डार्लिंग, तुम्हारे इंतजार में बुरा हाल है। मैं भी रास्ते भर तुम्हारे बारे में सोचती रही, काश हम तुम अकेले कहीं मिल सकते। इसलिए तो मौका देखकर चला आया हूँ तुम्हारे कमरे में। आ जाओ मेरी बाहों में, आ जाओ। हाय। इतनी भी तमीज नहीं है, एक लड़की के कमरे में बिना इजाजत के चले आए। वो बात ये है कविता, मेरा मतलब है तुम कविता हो, मैं कवि, मैं प्रेमी। फूल। I say shut up and get out, you fool. बस उसने मुझे इतना कहा और मैं ये फूल लेकर यहाँ चला आया। फूल भी ले आया, भूल भी कर दिया, फूल भी बन गए। डैडी, तुम्हारे डैडी की कोशिश थी तुम्हें करोड़पति बनाने की, और तुम एक लड़की के पति भी नहीं बन सके। और लड़की भी कड़की नहीं, खिड़की है हमारे सपनों के सुंदर महल की। लेकिन डैडी, कविता ने मुझसे बात ही ऐसी की कि मेरी बोलती बंद हो गई। इस बुरी तरह से उसने मुझे डांटा। कांटा हटाकर ही फूल तोड़ा जाता है बरखुरदार, खुशामद बड़े काम का नुस्खा है। बड़े बड़े पत्थरों को पानी कर चुका है, ये तो मामूली सी कंकरी है, मुफीद आलम जंतरी है, समझे? खाक समझूंगा।
आप हमेशा ऐसी भाषा में भाषण देते हैं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जिस दिन तुम समझ जाओगे बरखुरदार, उस दिन हो जाएगा बेड़ा पार। अरे ये जीप कहाँ रोक दी उस्ताद? अंधेरा हो रहा है, निकल चलो निकल चलो। इस जंगल में ये सुनसान हवेली किसकी होगी? दूबों की, भूतों की, भूतों की। कहीं गलती से उनकी नजर हमारे जीप के नंबर प्लेट पर पड़ गई तो हमसे पहले हमारा स्वागत करने के लिए हमारे घर पर मौजूद होंगे। तू बड़ा बुजदिल है यार। मोटी नाक वाली मीना, तंबाकू चबाने वाली चमेली, मूछों वाली मोहिनी, काली आंख वाली काली। मैंने काली को बुलाया था, तुम कौन हो? दिखता नहीं, लड़की हूँ। अरे वो तो हो शायद, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम करने आई हूँ, और किसने आऊंगी? अगर नहीं है तो दूसरे स्टेशन में छलांग लगाती हूँ। अरे छलांग नहीं लगाना, मेरी नारियल की बर्फी। तुम यही रहो, तुम्हारा नाम क्या है? नाम दीन दयालम कैलाश उदारम महालक्ष्मी कनक देवी दुर्गा देवी कुमारी पारो। अरे वाह वाह, इतना लंबा चौड़ा नाम, पुकारते पुकारते दिल से रात हो जाएगी। आप चाहे तो प्यार से मुझे पारो कह सकते हैं। सुनो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? हाँ, मेरे आगे आप हैं और पीछे भाई। पीछे? और पीछे तो भीमसेन छतरी वाला है शायद। सुनो पारो, ये साले प्यार के मामले में कसाई होते हैं। अच्छा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अगर ये हमारे प्यार के बीच में टांग अड़ाएगा, मैं इसके सर पर मुक्कों की बारिश कर दूंगा। ऐसे बरसाएंगे? तुम अपनी छतरी से मारो। अरे प्रेमी साहब आ रहे हैं। अरे ये सुंदर जवान कौन है? मेरा बाप है, जाके झाड़ के पीछे छिप जाओ। साला बहुत खतरनाक आदमी है, अगर इसने तुम्हें देख लिया छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे मेरे प्यार की डोरी टूट जाएगी, जाके छिप जाओ। सरकार नमस्ते। बंसी पार्सल में एक नगीने की कमी हो गई है, कोई है नजर में? सब आपकी नजरों के सामने है शायद, लेकिन क्वालिटी में इतनी कमी क्यों हो गई है? सरकार धूप और गर्मी की वजह से है, रात होने दीजिए, यही चेहरे चांद सितारों की तरह चमकेंगे। लेकिन हुजूर आज आपका जवाब नहीं, टोपी से लेकर जूते तक एक ही रंग में रंगे हैं, और हुजूर आपके बाजा लेकर चलने का अंदाज जवाब नहीं, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। तुम्हारी चापलूसी और चमचागिरी के अंदाज का भी जवाब नहीं, ये रिकॉर्ड बहुत घिस चुका है। तनख्वाह चाहिए ना, शाम को आकर ले जाना। लेकिन बंसी, नीले लिबास में जो बिजली चमक रही है, रात की बिजली आपके आंगन में चमकने के लिए पहुंच जाएगी शायद। शायद नहीं, पहुंच जानी चाहिए। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। ग्लैड टू सी यू दीवान साहब। वी वांट टू डील विद यू। व्हाट कैन यू सप्लाई अस विद? आपको क्या चाहिए? हम तो जंबो जेट हवाई जहाज से लेकर रेल के डीजल इंजन तक सप्लाई कर सकते हैं। बस खरीदार में दम होना चाहिए और छुपाने के लिए जगह। ओके ओके, हमें तो रेयर डायमंड्स चाहिए। ये तो हमारी खास स्पेशलिटी है, कल तक बंदोबस्त कर दिया जाएगा, आज की रात आप लोग यहीं आराम कीजिए। बट इधर सब सेफ है ना, कोई खतरा तो नहीं? जी आप जैसे मेहरबानों के लिए ही मैंने ये ग्लास चेम्बर बनवाया है, पानी के नीचे यहाँ एक परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता, नहीं हमारी आवाज बाहर जा सकती है। प्रेमी बेटे, एवरीथिंग इज रेडी। देखा बेटे, इसे कहते हैं बिजनेस। अपना चक्कर अब देश से विदेश तक जा पहुंचा है, ये फिरंगी अब रंग बिरंगी लड़कियों के जाल में फंस गए। अपने हीरो की चमक देखने से पहले इन बेवकूफ ने यहाँ की छलक देख ली है, बस सब तो एक के चार देख जाएंगे। दीवान साहब, आपकी छोकरी है या बिल्ली मेरी कलाई काट कर भाग गई। जाना है तुम्हें? हाँ। तो जाओ प्रेमी, इसे दरवाजा दिखा दो। गणेश जी महाराज, आप तो इस जंगल के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शेर चीता हाथी हिरन, यहाँ तो चिड़िया तक दिखाई नहीं दे रही। अरे चिड़िया को छोड़ो गुरु, हमें कौन सा चिड़ी मार का खिताब लेना है? ये सोचो कि आए हो जानवर का शिकार करने, लेकिन सामने मिल जाएं दो हसीन लड़कियों। अबे दो क्यों? एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, ताकि दोनों का काम बन जाए।
अरे गणेश वो देख, मुझको शेर चीता नहीं देखना, चीता शेर बाबा मुझे नहीं देखना, देखना मुझे नहीं देखना, अबे देख तो सही कविता, कविता तुम्हारी कविता सुन, एक काम कर, ठीक है चल। काम बन गया, अभी शुरू था। राजा, अरे मेरे राजा तू वापस आ जा। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे यार की जान लेकर पूछ रही है क्या हुआ? राजा, मेरे राजा तू वापस आ जा। लेकिन मैंने तो, हाँ आपने तो गोली भागते हुए हिरन पर चलाई थी, मगर मेरा दोस्त शिकार हो गया। राजा तू वापस आ जा। ए, मिस्टर, लेकिन गोली लगने का जख्म तो दिखाई नहीं दे रहा। ये हवा दिखाई देती है आपको? ये जो आपने गोली चलाई थी उसकी आवाज दिखाई दी थी आपको? मेन साहब, मरने के लिए क्या जख्म का दिखाई देना जरूरी है? इंसान के दिल की हरकत गोली के धमाके से भी बंद हो सकती है। राजा तू वापस आ जा। तो क्या इनके दिल की हरकत बंद हो गई? इनकी तो सिर्फ दिल की हरकत बंद हुई है। काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? फौरन अपने हाथ इनके दिल पर रखिए, थोड़ा रगड़िए, थोड़ा मसलिए, मगर प्यार से। आशिक का मुर्दा है, हो सकता है कब्र के किनारे से वापस लौट आए। सोच क्या नहीं है, जल्दी कीजिए। ये आप मुर्दे की जान बचा रही हैं कि पाउडर लगा रही हैं? जरा जोर से, जरा प्यार से, जरा मोहब्बत से। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे मर गए। क्या हुआ? लगता है सांस भी रुक गई। आपने कभी शहनाई बजाई है? जी। जिस तरह अगर शहनाई में सांस फूंक दी जाए तो सुर निकलते हैं। डॉक्टर कहते हैं आखिरी वक्त में अगर मुर्दे के मुंह में सांस फूंक दी जाए तो शायद कुछ हो सकता है। कीजिए कोशिश। आपका मतलब है? आप मतलब पूछने के चक्कर में पड़ी रहेंगी तो इस बेचारे की जान निकल जाएगी। आप सोचिए मत, जल्दी कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहती हैं तो इसके मुंह पर मुंह रख दीजिए, बजा दीजिए शहनाई। मुझसे ये नहीं होगा, आप मेरी खातिर ये काम कर दीजिए ना। करने को तो कोई इनकार नहीं, लेकिन क्या करूं, मैंने अभी अभी सिगरेट पी है। क्या आप चाहती हैं कि मेरी सिगरेट का धुआं मेरे दोस्त के फेफड़ों में घुस जाए? मरते मरते मैं अपने दोस्त को कैंसर की मौत मरते नहीं देख सकता। आप करती हैं कि मैं जाऊं पुलिस स्टेशन। सोच लीजिए, लॉकअप, जेल, फांसी का तख्ता। मैं करती हूं। करो करो। राजा जल्दी वापस आ जा। छोड़ दो मुझे। ऐसा नहीं कहते, मरने वाले की हर इच्छा को पूरा करना आपका फर्ज है। मेरा यार मरने से पहले आपको सीने से लगाना चाहता है। क्यों? लग जाइए। मैं समझ गई तुम लोगों की चालाकी, धोखेबाज, फरेबी, ये सब तुम लोगों की चाल थी। चाल देख ली तो चलन भी देखती जाइए ना, कहीं चाल चलन पसंद आ जाए तो घर वालों से सिफारिश कर दीजिएगा। जंगली खून, मर गया। अबे 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 सुन, मैं मर गया। अरे तेरी टोपी गई, सिर्फ टोपी गई, टोपी उड़ गई। लेकिन यहाँ तो कमबख्त दिल चला गया। दिल ले गई रे धो बनिया राजा, कैसा जादू डाल के। दे गणेश, आज मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरी मदद? चक्कर क्या है गुरु? उस्ताद ऐसी कोई तरकीब बता दे कि एक ही झटके में कविता का दिल जीत लूं। ओए, इतनी सी बात? अरे हजारों तरकीबें इस खोपड़ी में। पंडित रतननाथ सरसार के फसाने आजाद से लेकर आगा हशर कश्मीरी की खूबसूरत बला तक हर डायलॉग याद आए। अबे मुझे डायलॉग नहीं चाहिए, मुझे तरकीब चाहिए। तरकीब चाहिए? हाँ। तरकीब? तब तो कोई लेटेस्ट तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अबे जल्दी से तैयार हो जा घोंचू, याद है ना जो कुछ मैंने कहा? हाँ सब याद है यार। पहले मैं इंसान से रीछ बनूंगा, फिर मैं तुम्हारी महबूबा पे हमला करूंगा, तुम ऊपर से कूद कर उसको बचाओगे, एक इधर से मारोगे, एक उधर से मारोगे। मगर गुरु एक बात मत भूलना, मार खाने वाला कोई रीछ नहीं, तुम्हारा जिगरी दोस्त गणेश है। ओके ओके मैं समझ गया। अबे वो आ रही है, जल्दी कर। ठीक है ठीक है, करता हूँ। Ah! 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 Ah
भाई साहब आगे मत बढ़ना। अपने इस नाटक में ये असली रीच कहां से आ गया? असली रीच है मेरे भाई, असली देख लो। अरे अरे बाप रे, तुम उतरना मत तैर से, मैं किसी को लेकर आता हूँ। अरे बाप रे, अरे मोहब्बत जिंदाबाद, अरे मोहब्बत ने मरवा दिया है। ए, अब तू मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारा रिश्ता दोस्त मेरी जीप भी लेके भाग गया। जी जी क्या अब मुझे इस भयानक जंगल में अकेला छोड़ दोगे? चलो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। चलो पारो, मेरी प्यारी पारो। ए, एक नहाती हुई लड़की के पास आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। अरे कैसे जाऊँ, जब से मैंने तुम्हें नौकरी दिलाई है तुमने मुझे परेशान कर रखा है मेरे सपनों में आकर। मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ क्या? हाँ, और सपनों में आकर तुम कहती हो चूची मुची चूची मुची, और जब मैं तुम्हें चूची मुची कहकर तुम्हारे साथ लिपटना चाहता हूँ तो तुम गायब हो जाती हो। हट जी, हमें डर लगता है। अरे तुम्हें मुझसे डर लगता है? तुमने मेरी बहादुरी नहीं देखी, हम इस बस्ती के टार्जन हैं। रीच, रीच, अरे रीच वीच को हम मच्छर समझकर चुटकी में मसल देते हैं। माचिस होगी आपके पास? कोई माचिस नहीं है। रीच, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं रीच नहीं हूँ। आप कौन हैं? मैं स्वर्ण नगरी से आया हुआ तुम्हारे सुंदर सपनों का एक सुंदर राजकुमार। राजकुमार, तुमको देखकर जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली हो रहा हूँ। आप इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। हाय, बातें ही मीठी नहीं करता, मैं आदमी भी मीठा हूँ, मीठा लगा ना। हाय, तो आनी शुरू होती है लाल। एक लड़की को हासिल करने के लिए बड़े बड़े चक्कर चलाते हैं आजकल के नौजवान, क्यों? मुझ पे बहादुर रूप जमाने के लिए अपने साथी को रीछ की खाल पहना के मेरे सामने भेज दिया। अगर मैं सचमुच उसे गोली मार देती तो तुम्हारा सारा प्लान वहीं का वहीं धरा रह जाता। क्या हुआ? लगता है गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई? जरूर ये भी कोई प्लान है तुम्हारा। ये भयानक रात, सुनसान जंगल, एक बेबस और मजबूर लड़की, मैं सब समझ गई तुम क्या चाहते हो। मुझसे बदला लेना चाहते हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। कि ऐसी हालत में तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाओ, तुम गाड़ी में सो जाओ, कम से कम इस अंधेरी रात में मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। खतरा है डैडी, 9 बज रहे हैं लेकिन कविता अभी तक नहीं लौटी। मैं तो खुद उसे ढूंढने के लिए जाने वाला था लेकिन कहाँ तलाश करूं यही सोचकर रुक गया। ये रुकने की और झुकने की आदत तो तुम्हें बचपन से ही है बखुदार, नहीं तो कोई बात नहीं। स्कूल में एक ही क्लास में तुम 6 बरस तक रुके रहे और वर्षों तक हेडमास्टर के डंडे के सामने झुके रहे। आप मेरी जन्म पत्री के पीछे क्यों पड़ गए दीदी? आप अपनी होने वाली बहू के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हाँ, ये कविता देखने में रुई है मगर चूमने में शायद सुई है। ओहो, मैं तो तंग आ गया हूँ आपकी इन फजूल बातों से। चलिए आज फैसला हो जाए। आप कितनी लंबी बकबक कर सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। चलिए शुरू हो जाइए, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सुनो बेटे, अष्टमी के दिन एक हृष्ट पुष्ट दुष्ट पुरुष ने जैसे ही एक कन्या को रुष्ट करके करके कष्ट देकर भ्रष्ट करने की कोशिश की, मैंने टार्जन की भांति कूदकर क्रांति से शांति पैदा कर दी। तो कन्या के बाद ने मेरे इस टेस्ट में बेस्ट तरीके से फर्स्ट आने पर मुझे अपने घर में एक फीस पर बुलाया और मैंने भी बेस्ट बेस्ट बोलकर होस्ट के सारे चिकन रोस्ट की एक हड्डी भी बचाते हुए दांतों से चबाते हुए न वेस्ट किया, न बाद में पेस्ट किया, न खुद रेस्ट किया, न गेस्ट को होस्ट को रेस्ट करने का चांस दिया। आगे बढ़ो। नहीं नहीं डैडी, मेरा तो सर चक्कर आ गया। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ चक्कर आ रहे हैं मगर अपने लफ्जों की बरसात से बारिश शुरू हो गई है। Yeah.
राजा। यकीन मानो, ना ही इन गुंडों को बुलाने में मेरी कोई चाल थी, ना ही इस बरसात को दावत देने में मेरा प्लान। इस तरह पानी में भीगोगी तो बेकार में सर्दी लग जाएगी। जाओ, जाकर गाड़ी में सो जाओ। तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या कह दो, मुझे माफ कर दिया तुमने? अच्छा बाबा, माफ कर दिया, अब जाओ। कह दो मुझसे नाराज भी नहीं हो? नाराज नहीं हूँ। कह दो मैंने जो तुम्हें परेशान किया, तुम्हें गलत समझा, मेरी इस नादानी को तुम भूल जाओगे? हाँ हाँ भूल गया, लेकिन मेरे प्यार को याद रखोगे? हाँ हाँ याद रखूंगा। क्या Thank you.
शर्मीली अखियों में मैं खो गया हो, मैं खो गया। अरे शर्मीली अखियों में मैं खो गया हो, मैं खो गया। मैं क्या जानू तुमको क्या हो गया हो, क्या हो गया। तेरे भीग बदन पे मेरी आँख फिसलने लगी लगी लगी, टिप टिप होने लगी, आह जादू चलने लगे। टिप टिप होने लगी, आह जादू चलने लगे। कैसी आग लगी हम तुम पानी में जलने लगे लगे लगे। टिप टिप होने लगी, ए टिप टिप होने लगी, आह टिप टिप होने लगी, ओह टिप टिप होने लगी। क्या कह रही हो बेटी, भयानक लुटेरे और उस खतरनाक जंगल में? हाँ दीवान जी, वो तो अच्छा हुआ कि राजा वहाँ वक्त पे आ गया, नहीं तो वो गुंडे मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। राजा ने मेरी जान भी बचाई है और इज्जत भी, कल मैंने इसे लंच पे बुलाया है। नॉनसेंस, इन गली के कुत्तों को पुचकारने की जरूरत क्या है? थोड़ी सी हमदर्दी या बहादुरी दिखाई है तो 150 देकर मुंह बंद कर देना चाहिए, घर पर बुलाने की क्या जरूरत थी? वक्त आने पर न दुश्मन को छोड़ना चाहिए, न सांप को देखकर लाठी को तोड़ना चाहिए। मोहब्बत से, नफरत से, हिकमत से, ताकत से, रिफाकत से, सियासत से, हिमाकत से। बंद कीजिए अपनी ये तुकबंदी। पारो, मेरी प्यारी पारो। बात मत करो मुझसे। उस दिन एक रीच की सूरत देखी और दुम दबाकर भाग गए मुझे अकेला छोड़कर। मैं रीच से नहीं भागा, तुम जानती हो वो रीच सिगरेट के लिए माचिस मांग रहा था। तुम चिंता न करो, वक्त आने दो, फिर मैं दिखाता हूँ अपनी बहादुरी का नमूना। तुम्हारे सामने शेर के मुंह में हाथ दे दूंगा। मेरी पारो पारो पारो, मैं आ गया, मैं आ गया। हाय। अच्छा तो उस दिन रीच बनकर आए थे, आज शेर बनकर आए हो? हाँ। अरे तुम्हारे लिए तो मैं बटेर भी बन सकता हूँ, मेरी चमक छल्लो। आजा आजा। वो फिर लौटा तो? कौन 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 कौन? वो चूहा। अरे तू फिकर मत कर, ऐसी तरकीब करता हूँ कि वो चूहा लौट कर आ ही नहीं सकता इस बिल में, रास्ता ही भूल जाएगा। अच्छा? अभी आया, तू यही रहना। जी आ बेकरार है, छाई बहार है, राजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जी आ बेकरार है। ये गाने वाला शेर कहाँ से आ गया? ओ आजा, ओ वो तो नहीं आएगा, मैं आया हूँ शायद। तुम आ गए हो शायद, तो मैं गया शायद। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं डैडी को भी फोन करके आती हूँ। बैठो राजा, बैठो। हाँ बरखुरदार, खाना अच्छा लगा तुम्हें? जी। और कविता भी अच्छी लगती है तुम्हें? जी हाँ, बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, इंसान अगर किसी बात की उम्मीद न रखे तो न दिल टूटने का अफसोस होता है, न बाद में बेहोश होता है। जी मैं समझा नहीं। ये क्या है? आज के युग में हर चीज का सौदा हो जाता है बेटा, प्यार भी तक व्यापार बन गया है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ यही, कविता के जन्मदिन पर ही मैंने उसे ठाकुर साहब से मांग लिया था मेरे बेटे प्रेमी के लिए। तुम क्यों बेकार में नुकसान में रहो? ये रकम कम है क्या? ज्यादा है, लेकिन हमारे प्यार से कम है। दीवान जी, जिस जायदाद और दौलत की खातिर आप कविता को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, वही जायदाद और धन दौलत मैं कविता की एक मुस्कुराहट के सदके में आप जैसे भिखारियों को दान दे सकता हूँ। शाबाश बेटा शाबाश। अरे मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, मोहब्बत के स्कूल में दाखिल होने से पहले तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। किस बात का इम्तिहान हो रहा है? कुछ नहीं कविता, तुम्हारे दीवान जी तो। अरे प्रेमी आओ बेटा।
दोनों एक दूसरे की तरफ देख क्या रहे हो? प्रेमी ये राजा है। राजा? आप सर से पांव तक आज एक ही रंग में रंगे हैं, शायद आपके जूते बदलने वाला नहीं आया। जी जी हाँ, वो मालिश, मेरे मतलब पॉलिश करने के है। इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं? जी हाँ, एक इत्तफाक जरूर हुआ था, उसके बाद आज दर्शन हुए, उम्मीद है आप नजरों में रहेंगे। हा? जी बाय दीवान साहब, चलता हूँ। अच्छा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। तुम इस तरह अचंभे में खंभे की तरह क्यों खड़े हो? इससे मुलाकात कहाँ हुई थी तुम्हारी? किसी जंगल के मचान पर, या मोची के मकान पर, या जूते की दुकान पर? नहीं नहीं डैडी, करीब एक बरस पहले अपने गोल्डन क्लब में। वंडरफुल, ऊपर से नीचे तक एक ही रंग में रंगे हो, कमाल का आइडिया। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अरे वाह, जाते वक्त लाल जूते थे और अब सफेद, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। यू माइंड योर ओन बिजनेस। आप तो ऐसे नर्वस हो रहे हैं जैसे पुलिस के सामने चोर, भलाई का जमाना नहीं साहब। टॉनी, लगता है इस आदमी को हमारे ऊपर शक हो गया है, इसे ठिकाने लगा दो क्विक। तकलीफ तो नहीं हुई इन्हें लाने में? मुझे ऐसा लगता है डैडी, कुछ लोगों को हमारे धंधे पर शक हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि तुम तो हमेशा कभी ना कभी कुछ न कुछ कहती रहते हो, पर खुदार धंधा बदल दिया तो चंदा भी नहीं मिलेगा कहीं। उस दिन ये हमारे हाथों से बच निकला था, मुझे शक है कि। क्या शक है? यही कि उस दिन पहले ये मुझे क्लब की कॉरिडोर में मिला, फिर डांसिंग हॉल में मिला, उसके बाद इसने टॉनी की छुट्टी की और अब वो यहाँ आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो? अरे डरते क्यों हो बेटे, हमारे ग्लास चेम्बर के प्राणियों को तो बहुत दिनों से खुराक भी नहीं मिली, शायद ऊपर वाले ने उन पर तरस खाकर इस बेचारे को यहाँ भेज दिया है। आ, 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 आ,
कमीने कौन है? छोड़ दे इसे। कौन है तू कमीने? पता कौन है तू? सरकार, मेरी बेटी कल काम पर गई थी, पूरी रात इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई। नहीं आई तो इसमें हमारा क्या दोष है? मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए भी क्या हमें मजदूर रखने पड़ेंगे? तुम लोग खुद इशारा करो, जंगल का रास्ता किसी शेरवीर ने तो पूछ लिया होगा तुम्हारी लड़की को। शेर नहीं, जानवर से भी बदतर इंसान के शिकंजे में फंस गई थी। इंसान के शिकंजे में? माँ, मेरी बच्ची। आप चिंता मत कीजिए, रात बेहोश हो गई थी, मैंने डॉक्टर के पास ले गया था, ज्यादा चोट नहीं पहुंची, बस थोड़ी देर इन्हें आराम की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद तो मैं उस दिन कबूल करूंगा जिस दिन उस शैतान की गर्दन में रस्सी डालकर चौराहे पर उसके चेहरे से शराफत का नकाब उतारूंगा। बंजी, उल्लू के पट्टे को दिन दहाड़े जबरदस्ती हमारे मजदूर को उठाकर ले जाए, ये हमारी स्टेट की बेइज्जती है। सरकार, आप फिक्र मत करिए, मैं इस कमीने लफंगे बदमाश को पकड़ के आपके सामने पेश कर दूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये काम मेरे हाथों पूरा होगा। इतनी जल्दी शहर लौट रही हो बेटी, और कुछ दिन तो हमारे पास रहती। डैडी चिंता कर रहे होंगे दीवान जी, अब तो मुझे जाना ही होगा। ठीक है, मैं प्रेमी से कह देता हूँ वो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटी तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं अकेली नहीं जा रही, राजा भी मेरे साथ जा रहा है, आप मेरे जाने का इंतजाम कर दीजिए। अरे बिल्ला, सब सामान रख देना बराबर। और ये गणेश जी महाराज कहाँ हैं? मैं यहाँ हुजूर आपकी खिदमत के लिए गाड़ी में बैठा हूँ। अरे ओ भाई, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? लगता है ये भी हमारे साथ शहर जाना चाहता है। शहर? नहीं नहीं नहीं, उतरो उतरो, ज्योति महाराज नीचे उतरो। ये दोस्त भी हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, चलो इसे भी शहर ले चलते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। ओह, ए ऊपर वाले, जरा मेरी हालत पर रहम करना, मैं तेरे नीचे ही हूँ। ओ गूंगे के बच्चे, मुझे मालूम है तुम्हारा बिस्तर तो इस्तेमाल करेगा ही, मगर मेरे कपड़े मत पहनना, पेस्ट जरूर इस्तेमाल करेगा, मगर ब्रश को हाथ लगाना। सिटी के चेक पोस्ट से तुम किसी तरह उस कार के ड्राइवर राजा का पीछा करो, और जल्दी से जल्दी मुझे खबर भेजो वो कहीं CID का आदमी तो नहीं। अगर जरा भी शक हो तो बेशक उसे पटक कर झटक देना, भटकने अटकने और लटकने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? समझ गया बॉस, जो भी होगा उसकी रिपोर्ट जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। रुक क्यों गई? आओ ना, इसे भी अपना ही घर समझो।
इस घर की चौखट मैं इतनी आसानी से कैसे पार कर सकती हूँ? मतलब इस घर की चौखट पार करने के लिए तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। वो क्या? सिर्फ एक लाल जोड़ा और दो चुटकी सिंदूर। बस इतनी सी बात? अभी लेकर आया? ए ठहरो, इतनी जल्दी नहीं, पहले मैं डैडी से बात कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूँगी। ओके मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। क्या बात है शंभू, डैडी इतने गुस्से में क्यों है? वो अपना दीनू है ना चौकीदार, उसकी बीवी को देखकर बेईमान हो गया दिल मालिक के बच्चे का, और उसको भगा ले जाने की फिक्र में ही था कि मालिक को पता चल गया, अब इसे उसी की सजा मिल रही है। और अगर दोबारा इसने मेरे घर में कदम रखा तो मैं इसके टांगे तोड़ूं। डैडी। अरे तुम कब आई बेटी? मैं अभी आई हूँ डैडी। हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? दीवान जी ने सब इंतजाम ठीक ठाक किया था ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम्स डैडी, मैंने सब सुन लिया है, लेकिन आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? तुम नहीं जानती बेटी, ये छोटी सी बात नहीं है। वैसे तो इंसान कमजोरियों का पुतला होता है, हमेशा पराई चीज को अपनाने की धुन में लगा रहता है, पैसे के लिए, दौलत के लिए। इंसान इतना नीच भी हो सकता है कि दूसरे की बीवी को। नाउ डैम इट। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम दूर सफर से आई हो, थकी होगी, जाओ आराम करो, बाद में बातें करेंगे। ओके जाओ। गणेश जी महाराज। हाँ जी। अपना यार ज्योति बहुत उदास नजर आता है यार, है? इसे जरा शहर घुमा कर ले आना। हाँ हाँ, बहुत दिनों से अपने जानवर मित्रों से नहीं मिला ना, इसलिए जरा उदास हो गया है। गाय भैंस बकरी मुर्गा चूहा वगैरह देखकर इसका दिल बहल जाएगा। चल प्यारे चल। अरे चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे ज्योति। अरे तुझे घुमा कर लाता हूँ, अजी लाता हूँ। अरे दोस्तों, ये भाई साहब जरा देख। अरे अरे ये भाई साहब, भाई साहब, ये भाई साहब क्यों पानी में कूद रहे? देखा ज्योति प्रसाद, ये यहाँ का बोट क्लब है, यहाँ पर लोग नाव में। भाई साहब, ये भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, यारों का यार। हेलो। हाय बजर बट्टू, क्या कर रहे हो? बस तन्हाई में बैठा तारे गिन रहा हूँ। दिन में तारे गिन रहे हो? जरूर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है नियत ठीक। तो जल्दी से अपनी नियत ठीक कर लो। मैंने अपने डैडी से तुम्हारे बारे में सब कुछ कह दिया है और वो मान भी गए हैं, लेकिन पहले मेरे राजा से मिलना चाहते हैं। जरूर मिलेंगे, अभी पहुँच जाऊँ बारात लेकर? जी नहीं, बारात से पहले हमारी मुलाकात जरूरी है। अभी मिलता हूँ मेरी जान चमेली बाग में, जरा सामने आना। थोड़ा दाएं, हो थोड़ा
लगा कहाँ यहाँ अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं चाहिए। हाँ ये बात हुई ना, एक मुर्गी का ताजा ताजा अंडा जो अभी दिया हो और एक कप चाय। अच्छा हाँ सुनो, जो ऑर्डर दे रहा हूँ उसको जरा गौर से सुनो, कागज पेंसिल है? है, निकालो, लिखो 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 लिखो। बोलिए। 26 प्लेट चिकन बिरयानी, 35 प्लेट मटन बिरयानी, 60 प्लेट कीमा, 75 प्लेट मटन, बकरी के हाथ पाँव बड़े बड़े हो तो चलेगा, और 250 उबले हुए मुर्गी के अंडे, 100 मुर्गियां गर्दनों समेत। बस करो, ये सब आपको खाना है या बाहर ले जाकर बेच रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हाँ। ये ऑर्डर मेरे लिए नहीं है। हाँ। मेरा एक दोस्त बाहर बैठा इंतजार कर रहा है, उसके लिए है, ज्योति प्रसाद। ये आपका दोस्त इंसान है या कोई जानवर? खूब पहचाना, जानवर, शेर मेरा यार। शेर तुम्हारा यार? शेर मेरा यार, शेर इसका यार, शेर तुम्हारा यार। अरे भाई, शेर मेरा यार, आपको यकीन नहीं होता ना? अरे
उसको। ज्योति प्रसाद भाई साहब, हाँ जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने शेर को बाहर ले जाइए, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। हाँ, तो जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है इन बैरे साहब को, वो पूरा का पूरा पैक करके मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए, समझ गए? हाँ, हाँ जी। ओके, ज्योति प्रसाद चल पड़ो। ये, 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 मैं ही हूँ, मगर आप लोग खाली हाथ क्यों आए हैं? मेरे लिए कोई माला वाला नहीं लाए हैं क्या? हाँ लाए हैं, हथकड़ी। हथकड़ी आपको पहनाने के लिए। हथकड़ी मुझे पहनाने के लिए? मैंने क्या किया? अरे क्या नहीं किया तुमने, मेरे होटल का दीवाना निकाल दिया, शेर के डर से कोई चाय तक पीने नहीं आता। लेकिन मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, तुम्हारे शेर की वजह से अपनी मोटरसाइकिल से गिर के मरने वाला था। अरे भाई, मगर मैंने तो ए मिस्टर, आपकी तारीफ दिखता नहीं, मैं जू ऑफिसर हूँ। दिखता है? आप शेर को फौरन हमारे हवाले कर दीजिए। आपके हवाले कर दूं? शेर को फौरन हवाले कर दूं? क्यों जी, नहीं करता हवाले करना। गुरु सब ज्योति को देखकर डर के मारे भाग गए। ऑफिसर, इंस्पेक्टर, डरिए मत, आइए आइए मेरे पास, आइए आइए। मैं ज्योति को आपके हवाले करना चाहता हूँ। राजा, ये क्या कर रहे हो? हाँ गणेश, ज्योति की बेहतरी के लिए और कोई रास्ता नहीं, अगर ऐसे ही घूमता रहा तो कोई भी इसे गोली का निशाना बना देगा। लीजिए साहब, आप इसे ले जाइए। मैं ले जाऊं? बाप रे बाप, अगर आप इसे जू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ठीक है, वरना कहीं रास्ते में ही इसने मुझे हजम कर दिया तो। नहीं, मोटी चमड़ी खाने की आदत नहीं है इसको। ठीक है, मैं इसे जू तक पहुंचा देता हूँ, चल ज्योति। हेलो, मैं जॉनी बोल रहा हूँ बॉस, आपने जो काम मुझे सौंपा था वो पूरा हो गया है। ये राजा कोई सीआईडी का आदमी नहीं, और ना ही उसे अपने किसी चक्कर के बारे में कुछ पता है, लेकिन एक बात पते की मालूम हुई है, वो शादी कर रहा है। शादी कर रहा है किससे? वो अपने ठाकुर साहब की बेटी कविता है ना, उससे शादी करने वाला है। शादी करने वाला है? कर तो नहीं ली ना, कर भी कैसे सकता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो उसकी पूरी जन्मपत्री तलाश कर ली बॉस, आप जानते हैं ये राजा उसी मशहूर शिकारी प्रकाश का ही बेटा है। राजा प्रकाश का बेटा है? उल्लू, अरे ये खुशखबरी तो तुम्हें सबसे पहले बतानी थी। ठीक है। हाय कविता। हाय राजा। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत लगता है भाई, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, ये किसकी तस्वीर है? मेरी माँ की, मैंने अभी पूरी तरह होश संभाला भी नहीं था कि ये मुझे छोड़ के चली गई। डैडी ये मैं जानता हूँ, ये राजा है ना, आओ बेटे आओ, वेलकम टू दिस हाउस। कविता ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ, बहुत बातें करती रहती है तुम्हारे बारे में, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद यकीन हुआ कि इसने तुम्हारे बारे में जो बातें की हैं वो सब एकदम 100% करेक्ट हैं। थैंक यू सर। सिगरेट? जी मैं सिगरेट पीता नहीं। नहीं जी? नहीं। देखो भाई, अगर सचमुच नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मेरे सामने सिगरेट पीने में शर्म कर रहे हो तो बहुत बुरी बात। हमारी कविता को देख लो, मजाल है किसी बात पे शर्म कर जाए, बचपन में खिलौनों और मिठाइयों से लेकर आज अपनी शादी के मामले में भी बिना झिझक मुझे साफ साफ कह दिया है, डैडी अगर मैं शादी करूंगी तो राजा से, और देख लो तुम इस घर में मौजूद हो। डैडी क्या सारी की सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही करेंगे? चलिए खाना तैयार है। ये जो सब चीजें तुम देख रहे हो ना, सब की सब कविता ने नहीं बनाई है, ये तंदूरी चिकन जरूर इसने अपने हाथों से बनाया है, बहुत शौक है इसे तंदूरी चिकन का। तुम्हें किस चीज का शौक है राजा? इन्हें शौक है शिकार का, शिकार खेलने का और शिकार करने का। जी दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े शिकारी थे। अरे वाह, शिकार का तो हमें भी बहुत बड़ा शौक है, तब तो हम तुम्हारे डैडी से जरूर कहीं ना कहीं मिले होंगे। क्या नाम है उनका? इनके बाप का नाम मैं बताता हूँ हुजूर। अरे दीवान जी, आप अचानक कैसे आ गए? हुजूर अगर मैं नहीं आता तो सच जानिए अनर्थ हो जाता। क्या कहना चाहते हैं आप जानते हैं ये महाशय किसके बेटे हैं? उस शिकारी सूरज प्रकाश के। जी हाँ ठाकुर साहब,
मैं सूरज प्रकाश जी का ही बेटा हूँ। नो नेवर। तुम मेरे जानी दुश्मन के बेटे हो, चले जाओ यहाँ से, इसी वक्त इसी पल इस घर से निकल जाओ। गेट द हेल आउट ऑफ दिस हाउस। डैडी, इसे फौरन इस घर की चौखट से बाहर कर दो। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज डर्टी फेस अगेन। जिस शख्स ने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी की हर खुशी को अपने कदमों के नीचे कुचल दिया, उसी के बेटे के साथ, नहीं हरगिज नहीं। कविता, अगर ये इसी वक्त यहाँ से नहीं चला गया तो मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। कह दो इससे मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। आस्क हिम टू गेट आउट। राजा, डोंट स्टॉप हिम, जाने दो इसे। अगर तुम्हें अपने डैडी की खुशी चाहिए तो इसी पल इसे मेरी आंखों से दूर कर दो। मत रोको इसे। अगर ये रुक गया तो बरसों से मेरे दिल में दबा हुआ तूफान नहीं रुकेगा। लेट हिम गो। दाई माँ, क्या बात है बेटे? दाई माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो इस शहर का हर इंसान मेरे डैडी का नाम इज्जत से लेता है, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरे डैडी का नाम सुनते ही मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। कौन है वो? ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह? क्या बात है दाई माँ, ठाकुर का नाम सुनते ही तुम चौंक क्यों गई? नजरें क्यों झुक गई तुम्हारी? तुम्हारे पिताजी सचमुच एक देवता थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। दुश्मनी की वजह थी गलत फहमी। ठाकुर साहब को किसी शैतान ने तुम्हारे पिताजी के बारे में बहका दिया था। ये उन दिनों की बात है जब तुम 5 साल के थे और तुम्हारी बड़ी बहन इंदु 8 साल की थी। तुम्हारे पिताजी बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। उतना प्यार किया करते थे जितना उन्हें शौक था पुराने हीरे जवाहरात जमा करने का। इंदु के जन्मदिन पर वो कोई ना कोई कीमती हीरा मोती उसे भेज दिया करते थे। उस दिन भी इंदु का जन्मदिन ही था। दाईमा, इस गाल पर ये काला तिल क्यों? इसलिए कि हमारे नन्हे मुन्नी गोरी गोरी बिटिया को किसी की नजर ना लगे। इंदु बेटी, जाओ बेटी अपने पिताजी के पाँव छू। जीती रहो जीती रहो। अरे वाह वाह वाह, हमारी बेटी तो बिल्कुल रानी लग रही है। लेकिन एक कमी रह गई है, तुम्हारे गले में राजकमल हार वही लेने जा रहा हूँ और वही आज तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा होगा। और जानते हैं मैं क्या तोहफा देने वाली हूँ? क्या? आया, मैं जरा ठाकुर साहब के घर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा राजा बेटा, टाटा 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 बेटी टाटा। तुम हमें तो हो सूरज प्रकाश, वो राजकमल हार कई पुश्तों से हमारे खानदान की विरासत में चला आ रहा है और तुम चाहते हो मैं उसे। तुमने ये सोच कैसे लिया? ओहो ठाकुर, तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो। तुम हमारे खानदान की इज्जत की कीमत लगाना चाहते हो, उसे सौदे की तराजू में तोलना चाहते हो। चले जाओ यहाँ से। फिर एक मरतबा सोच लो ठाकुर, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं उसे वादा करके आया हूँ, बेचारी का दिल टूट जाएगा। तुम जा सकते हो, और एक बात याद रखना सूरज प्रकाश, आज के बाद तुम इस चौखट पर कदम नहीं रखोगे। इस सौदेबाजी से आज तुमने हमारी इज्जत पर हाथ ही नहीं डाला बल्कि अपने लिए दुश्मनी की बुनियाद डाल दी है। आज मेरा जन्मदिन है, शाम को आओगे ना? आओगे। इंदु जल्दी आओ, देर हो रही है, जल्दी आओ बेटी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे मेरी गुड़िया। अरे मेरी बेटी, क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ? इंदु बेटी, इंदु, इंदु, इंदु बेटी, इंदु। और जानते हैं मैं क्या तोहफा देने वाली हूँ? क्या? इंदु, इंदु बेटी, इंदु की मौत से तुम्हारे डैडी को इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि वो शिकार के बहाने दिन रात जंगल में भटकते रहते थे। उस दिन शिकार के लिए उन्होंने जंगल में डेरा डाला था, उस वक्त ठाकुर साहब की पत्नी उस राजकमल हार के समेत कहीं गायब हो गई। शक का जहर ठाकुर के दिल में पहले से था। उस पर किसी ने यह खबर फैला दी कि राजकमल हार के लिए तुम्हारे पिताजी ने ठाकुर की पत्नी को कहीं गायब कर दिया। दुश्मनी की जड़ें और भी मजबूत हो गई
और एक दिन अचानक। नारायण तुम अकेले? मालिक कहाँ है? मालिक का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? वो जंगल में मुझसे अलग हो गए और जब मैं उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था तो मुझे उनकी ये बंदूक मिली। पूरी जमीन मालिक के खून से रंगी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी जंगल के जानवर ने। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बेटे तुम्हारे पिताजी के पास मैं 20 साल काम करती रही। वो देवता थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि सौतेली माँ के आने के बाद तुम पर कोई आंच ना आ जाए, उस पर किसी पराई औरत का लांछन लगाया जाए। कितना बड़ा अन्याय है। जिसके लिए उन्हें हार चाहिए था, जब वही नहीं रही तो उन्हें हार क्या करना था? तुम्हारे पिता पर ये इल्जाम लगाना चांद पर थूकने के बराबर है। कौन है? Put the lights off, बत्ती बंद करो। डैडी तुम आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हैं? रोशनी से डर लगने लगा है अब। कभी कभी न जाने आपको क्या हो जाता है। मेरे और राजा के प्यार से आप खुश थे और जब उसे खाने पे बुलाया आपने उसकी बेइज्जती कर दी। मैं कह चुका हूँ कविता, दोबारा उसका नाम मेरे सामने कभी मत लेना। लेकिन क्यों, क्या बुराई है उसमें? बुराई उसमें नहीं, उसके खून में है, उसके खानदान में है। आप मुझे क्यों नहीं बताते? राजा के पिता का नाम सुनते ही आप इतने परेशान क्यों हो गए? क्या कसूर किया है उन्होंने? आपकी क्या दुश्मनी है उनसे? इस चिंगारी को दबा ही रहने दो कविता। इस तमाम मुसीबत की जड़ है वो राजकमल हार। ठाकुर साहब के उस खानदानी हार पर राजा के शिकारी पिता सूरज प्रकाश की बरसों से नजर थी। लेकिन किसे खबर थी कि उस हार को गायब करने के लिए वो ठाकुर साहब की पत्नी को ही गायब कर देगा। वो दिन, वो घड़ी, वो पल आज भी जब हमारी आंखों के सामने आता है तो कलेजा फटने लगता है, दिल तड़पने लगता है। कौन जाने उस शैतान की वजह से आज मालकिन जिंदा भी हैं या नहीं। डैडी, चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, लीव मी अलोन। डैडी, अनजाने में मुझसे ही भूल हो गई थी। सच जानिए मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहती, मैं राजा को भूल जाऊंगी। बेटी, 20 दिन की राजा की मुलाकात के सामने आपका 20 बरस का प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। क्या कह रहे हो उस्ताद, अभी परसों ही तो वापस लौटे हो, क्या फिर शिकार करने का भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पे? हाँ गणेश, आज इस शिकार के पीछे एक मकसद है। मधुपुर के जंगल में मेरे डैडी के माथे पर कलंक का टीका लगा। आज उसी जगह जाकर बेगुनाही के उस कलंक को एक गुनहगार के खून से साफ करना है। आज से तो असली शिकार शुरू होगा। कुछ देखा वंशी? कोई लड़की है शायद। क्या लड़की है? हाँ। ओपन टॉप, क्या जवानी है। जाओ लेकर आओ। सरकार, ये आपका इलाका नहीं है, सामने आदिवासियों का डेरा है, अगर उनको मालूम हो गया आपको कच्चा चबा जाएंगे। उल्लू के पत्ते, अगर तुमने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम तुम्हारी समाधि यहाँ बनवा देंगे, समझे? 10 मिनट के अंदर अंदर ये लौंडिया हमारी बाह में होनी चाहिए, वरना फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा, समझे? ए लड़की, क्या कर रही हो? डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुमको जंगल की सैर कराऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा। गुजी-मुजी चमचम? चमचम? चमचम खाओगी? बंगाली मिठाई वो भी खिलाऊंगा, रसगुल्ले खिलाऊंगा, गुलाब जामुन खिलाऊंगा, तुम्हारी कलाई में चांदी के कंगन पहनाऊंगा। पुलाव, पुलाव, ओ पुलाव खाओगी? अरे वो भी खिलाऊंगा, शाही पुलाव मेरे पास लाओ। Thank you.
हुजूर हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें। आपने सिर्फ हमारी मुनिया की ही इज्जत नहीं बचाई बल्कि पूरी बस्ती की इज्जत बचाई है। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते हुजूर, कभी नहीं भूल सकते। अरे सरदार, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो बुजुर्ग हैं और आप मेरे पांव पड़ रहे हैं। मैं ही क्या हुजूर, हमारी पूरी बस्ती आपके पांव छूकर जश्न मनाएगी। आइए चलिए। Babalika babalika bam 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 दिलदारा
ये हमारी कुलदेवी है ओजोर, बहुत दयालु है। आंखें बंद करके जो मांगना है मांग लीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। प्रणाम कीजिए। सरदार, हुजूर आपकी देवी के गले में पड़ा हुआ यह हार यहाँ कैसे आया? बोलो सरदार, यह हार तुम्हें कहां से मिला, कैसे मिला? इस हार से मेरी सारी उलझनें सुलझ सकती हैं। हुजूर, ये आपने कहा था ना कि आपकी देवी बड़ी दयालु है। सचमुच आपकी देवी ने मेरी मंजिल आसान कर दी, लेकिन आप बोलते क्यों नहीं? हमारे जबान पर किसी को दिए हुए वचन का ताला पड़ा हुआ है हुजूर, फिर भी आज हम आपकी खातिर सब बंधन तोड़ सकते हैं। वो हार इस औरत की अमानत है। ओ, ये तो ठाकुर साहब की पत्नी है। वो कौन थी ये तो हम नहीं जान पाए हुजूर। हार हमारे हवाले करके वो एक और भाग गई, और जैसे ही हम आगे बढ़े जंगल की उस पगडंडी पर हमने एक आदमी की लाश देखी। लाश? कौन था वो? कपड़ों से कोई शिकारी जान पड़ता था। शिकारी? हाँ, बेचारा जंगल में शिकार खेलने आया होगा, किसी दुश्मन ने उसे ही अपनी गोली का निशाना बना दिया। पहचान के लिए हमने उसकी भी तस्वीर बना के रखी है, शायद कभी कोई उसका वाली उसकी तस्वीर कहाँ सरदार? ये रही। पिताजी। क्या ये आपके पिताजी हैं? हाँ सरदार, मैं ही इनका बदनसीब बेटा हूं। किसी कमीने ने अपने मकसद की खातिर मेरे पिताजी को अपनी चाल का शिकार बनाया था। आज उसी खूनी की तलाश में मैं तड़प रहा हूं। हमने भी उस खूनी को बहुत तलाश किया था हुजूर, जब पता नहीं चला तो अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक हमने अपने शमशान में उनकी समाधि बना दी। गैर होकर भी आप लोगों ने मेरे पिताजी की लाश का सम्मान किया, मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकता। क्या मैं अपने पिताजी की समाधि के दर्शन कर सकता हूं? जरूर हुजूर, जरूर। हुजूर, ये रहा वो स्थान जहां आपके पिताजी चैन की नींद सो रहे हैं। पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि एक दिन आपका खूनी भी आपके कदमों में ही दम तोड़ेगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूंगा नेश भैया, लाख बुलाने पर भी राजा को मैं नहीं बुला सकती, और पिताजी को यूं तड़पता हुआ भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहां चली आई हूं। मेरे यार ने मुझे भी सब कुछ बता दिया है। क्या तुम्हें यकीन है कविता कि राजा के पिताजी ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं? विश्वास ना होते हुए भी विश्वास करना पड़ता है। पिताजी ने जो सुना है वो सब झूठ है। राजा? हाँ कविता, वो सब चाल है, धोखा है, फरेब है। जो कुछ तुम्हारे डैडी ने सुना है, जो कि तुम जान चुकी हो, वो हकीकत नहीं है। जब तक सच्चाई अपने पांव में चप्पल पहनेगी, झूठ सारी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाएगा। मेरे डैडी के साथ भी यही हुआ है। लेकिन तुम यहां कैसे? इस बार भी शिकारी खेलने आया हूं। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार मेरा शिकार कोई जानवर नहीं, वो शैतान है जिसकी वजह से मेरे पिताजी की जिंदगी गई, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार बर्बाद हो गया। बर्बादी का ये सिलसिला जो उस कमीने ने शुरू किया है, अब उसकी तबाही मेरा निशाना है। आज एक ऐसा सबूत मेरे हाथ आया है जिसका सामना करते ही तुम्हारे शक की दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। आओ मेरे साथ। कविता,
अब तो शक दूर हो गया ना तुम्हारा? हाँ राजा। मैं जितना इस घटना के बारे में सोचता हूँ उतना ही मेरा शक मजबूत होता जाता है कि जरूर इस चाल के पीछे तुम्हारे ही दीवान का हाथ है। वरना सोचो, अचानक उसे आकर चलती में तेल डालने की जरूरत थी? हाँ तुम ठीक कह रहे हो राजा, दीवान ही है जिसने पिताजी के दिल में नफरत का जहर पैदा किया है। लेकिन दीवान पर उंगली उठाने से पहले हमें पूरे सबूत की जरूरत है, और वो सबूत किस तरह से हासिल कर सकते हैं वो तरकीब भी मैंने सोच ली है। बोलो, अब तो दोगे ना मेरा साथ? जीवन के आखिरी पल तक मैं तुम्हारे साथ हूँ राजा। कविता सुनो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं प्रेमी को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। तुम सच? तुम सच कह रही हो बेटी? दीवान जी, आप शादी की तैयारी कीजिए। शादी? अबे बंद करिए बाजा। क्या? अरे राजा का उठ गया है जनाजा, अब तो तेरा ही राज है राजा, अपनी किस्मत का खुल गया है दरवाजा। क्या बात है डैडी? अब तो बात ही बात है, हर तरफ चंदनी रात है, खुशियों की बरसात है, तेरा और कविता का जिंदगी भर का साथ है, तेरी आने वाली बारात है, सारी जायदाद अपने हाथ है। ए कबूतर, रोने की क्या बात है? अगर ये बात है डैडी तो किस्मत हमारे साथ है, उसके हाथों में अपना हाथ है, चांद चकोरी की मुलाकात है, प्रेमी को मिली दौलत की सौगात है। लेकिन इस बात में भी एक बात है, शादी के बाद मैं आपसे पूछूंगा डैडी आपकी क्या साथ है। अरे हमारी बिल्ली और हमी से म्याओ म्याओ हो जाती है, शादी के बाद में कविता और अपने दरबार किसी तीसरे को नहीं दे सकता। हाँ ठीक है ठीक है, पहले शादी तो हो जाने दो, मैं भी एक तीर से दो शिकार करने वाला शिकारी हूँ। आज कविता की बाजी मारी है तो दूसरी तैयारी है। सुनो सुनो, कल तुम किसी तरह से कविता को पुरानी हवेली में ले आओ, बाकी का नाटक मैं संभालूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो ये मेरी होने वाली पत्नी के घर का दरवाजा है शायद? अबे बाबू बंसीलाल, तुम तो दरवाजे की चौखट तक ही रह जाओगे, तुमको नहीं मालूम पारो मुझे जन्म जन्म से प्यार करती है। पारो? पारो तुमसे प्यार करती है? तुमने मेरी हंसी देखी है? हाँ देखी। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए चले जाओ यहाँ से। अबे ओ मच्छर, तू और तेरा गुस्सा, ऐसी झापड़ रसीद करूंगा कि 3200 दांत बाहर आ जाएंगे। अबे ओ, मैं अपनी दोनों उंगलियों से तेरी दोनों आंखें बाहर निकाल के हथेली पे रख दूंगा, और इसी हथेली से उन्हें मैं वापस लगा लूंगा। तेरे कपड़े उतारूंगा, तेरे कपड़े उतारूंगा, तेरी टाई उतारूंगा, तेरी टाई उतारूंगा। अरे ये मेरे घर के सामने क्यों झगड़े कर रहे हो? चलो हटो, छोड़ो छोड़ो। तुम चुप करो, आज फैसला होके रहेगा तुम्हारा भाई आए या ना आए। आरो आज खून की नदियां बहने दो, या तो ये रहेगा या शांति 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 शांति। मेरा भाई आ गया है। आ गया है? कहाँ है तुम्हारा भाई? अरे किधर है मेरा साला? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी बुलाती हूँ। हाँ बताओ। भैया भीमसेन छतरी वाले, तुम पारो के भाई हो? अरे अपना तो काम बन गया, अपने मालिक को छोड़ के अपनी बहन का हाथ इसको कैसे दे सकते हो? ये सब नहीं चलेगा मित्रों और प्रेमियों, मैं उस शख्स को अपनी बहन का पति और अपना जीजा बनाऊंगा जो सबसे पहले भागकर अपने इष्ट देवता की पूजा करके मेरे पास आएगा। क्या इष्ट देव? हाँ आप ही मेरे इष्ट देव हैं, आप ही मेरे छतरी वाले बाबा। ये जुल्म है बाबा, अन्याय है बाबा, नाइंसाफी है बाबा, और पाप है। खामोश, फैसला हो चुका। ये महाशय ही मेरी बहन के पति बनने के हकदार हैं। अबे ओ छतरी वाले, खबरदार जो मुझे छतरी वाले कहा, आज से मैं तुम्हारा नौकर नहीं समझे। चलो जी आप अंदर। हाँ चलो चलो, लपक ले लपक। और चलो जी तुम बाहर। ठहरो, ठहरिए मिस्टर बंसी, टेक योर अम्ब्रेला एंड गेट लॉस्ट। जानकी देवी, आखिर अपनी जिद को छोड़ क्यों नहीं देती? अब भी मान जाओ, बता दो वो राज कमलहार कहाँ है? वही बात दोहराने आए हो, जिस दिन तुम्हें इस राज का पता चल गया वही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब सब कुछ जानती हो तो एक बात और भी जान लो,
तुम्हारी बेटी अब कुछ ही दिनों में मेरे घर की बहू बनने वाली है। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी कविता यही है हमारे पास। देखो कविता, किस शौक और अरमानों से तुम्हारे माता पिता ने यह हवेली बनवाई थी। क्या हालत हो गई है इसकी। तुम्हारी जरा सी हाँ से तुम्हारे तमाम अंधेरे दूर हो सकते हैं। चाहो तो इसी पल अपनी बेटी को गले से लगाकर अपनी ममता की प्यास बुझा सकती हो। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल ही होगी दीवान। मुझसे राजकमल का राज जानने के लिए तुम मेरे से नीच हरकत भी कर सकते हो, मगर मगर मुझे अपने खून पर पूरा पूरा विश्वास है। मेरी बच्ची तुम्हारे जैसे जलील इंसान के बेटे को कभी अपनी जिंदगी का साथी नहीं बना सकती। मुझे मालूम था तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। माँ रुक जाओ कविता, रुक जाओ। हमारे इस भूत बहन में और ठहरना ठीक नहीं, चलो। लेकिन मैंने अभी अभी अपनी माँ की आवाज सुनी है, उन्होंने मुझे नाम लेके बुलाया है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से हमें चलना चाहिए। तुम्हारे लिए तड़पने वाली तुम्हारी माँ की आत्मा शायद और बेचैन हो गई है। जगो कविता, मेरे साथ रखा ले जाओ। जी जाओ कविता जाओ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हम अपनी उंगली टेढ़ा करना भी जानते हैं। डरिए नहीं माँ जी, हम उंगली टेढ़ी करने वालों की गर्दन मरोड़ दिया करते हैं। वाह दीवान साहब, मान गए आपको। बहुत जबरदस्त चक्कर चला रखा है इस हवेली में आपने। अब तुम्हारा खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। वक्त तुम्हारा आ गया है बरखुरदार। ये किस्सा भी खत्म हुआ। प्रेमी, जानकी की आवाज से कहीं कविता को शक न हो गया हो, उसे किसी और ठिकाने पर ले जाना चाहिए और उस कुत्ते की लाश को इसी वक्त ले जाकर पानी में फेंक दो। हाँ। जाओ। क्या कह रहे हो राजा, मेरी माँ जिंदा है? हाँ कविता, आप बुजुर्ग की सारी चाल मेरी समझ में आ गई। वो खुद उस राजकुमार हार को हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारी माँ को अपने कब्जे में कैद कर रखा है। अब चूंकि मैंने तुम्हारी माँ को जिंदा देख लिया है, इसलिए वो उसे ऐसी जगह ले गए हैं जहाँ हमारा पहुँचना शायद नामुमकिन हो। कहाँ ले गए वो लोग मेरी माँ को? बोलो राजा, कहाँ है मेरी माँ? उन लोगों ने पानी के अंदर अपना एक खास अड्डा बनाया। क्या बात कर रहे हो गुरु, पानी के अंदर अड्डा? हाँ, ग्लास चैम्बर, और उसमें दाखिल होने का रास्ता हमें तलाश करना होगा। मैं उस घर की एक ईंट को जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी... तुम उन बदमाशों को नहीं जानती गणेश। हाँ? उस अड्डे में दाखिल होने के लिए हमें भेष बदलना होगा। मैं तैयार हूँ गुरु, हो जाए। चलो। डैडी, आपके ख्याल में उस जानकी देवी को ज्यादा दिनों तक उस शीशे वाले कमरे में रखना ठीक है क्या? बेवकूफ, दीवारों के भी कान होते हैं और तू जैसे भी नादान होते हैं।
किसी रोज इसी पोज में दिमाग का स्क्रू लूज हुआ कि फ्यूज उड़ा और बत्ती गुल। नहीं इधर के रहेंगे ना उधर के। आप तो पल भर में किधर से किधर पहुंच जाते। मैं चला, मैं गया, मैं जा रहा हूँ। जाते कहाँ हो, वहीं खड़े रहो। पहले रामपुरी चाकू देखो, फिर चाकू की धार देखो। कौन है तू? जानता नहीं हमें? ठन ठन गोपाल, और हमारे गुरु का नाम है उस्ताद जोरावर सिंह, घटोत्कच, गुरु घंटाल, बीबीटी, बंडलबाज, देवड़ेबाज, ठर्रेबाज अभी पधार रहे हैं। कल रात ही उन्होंने ताजा ताजा मर्डर किया है, और दूसरे खून की तैयारी से पहले वो यहाँ कुछ देर आराम करना चाहते हैं। इसीलिए इस घर का हर कोना ठीक से ठोक लेना चाहता हूँ। कहीं किसी दुश्मन ने कोई बम तो नहीं रखा? कहीं कोई उस्ताद जोरावर सिंह घटोत्कच गुरु घंटाल का नाम नहीं सुना? जो शख्स 200 आदमी की गर्दनें काट कर उनकी खोपड़ियों की मीनार पर बैठकर फॉरेन कंट्री में भाषण दे सकता है, वो तुझ जैसे मच्छर को चुटकियों में मसल सकता है। और मैं तुम दोनों को अभी गोली से उड़ा दूंगा। ए, क्या बकरा है बेवकूफ, देखता नहीं से गले में क्या है? वही राजकमल हार। जी गुरु घंटाल जी, आप? हाँ मैं। माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपको जरा देर से पहचाना। क्या करूँ, नजर कमजोर हो गई आजकल। आप खड़े क्यों हैं, बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। इस तरह इज्जत की जाती है कुत्ते जी? क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? आपने कहा कुत्ते, मैंने बुरा नहीं माना। आप खड़े क्यों हैं गुरु घंटाल जी, बैठिए ना। चंदन गोपाल, गुरु घंटाल, लीजिए पहली धार का माल। मगर गुरु घंटाल जी, आपको ये हार कहाँ से मिला? गंदी नाली के कीड़े इस हार के बारे में जानकर पुलिस को बताना चाहता है, गद्दारी करना चाहता है। इसी वक्त तेरी अंतड़ियां निकाल कर तेरे गले का हार बना दूंगा। क्या कर दूंगा? मेरी अंतड़ियां निकाल के मेरे गले का हार बना देंगे? हाँ। गुरु घंटाल जी, मेरी आंखों पर पर्दे पड़ गए थे, इसलिए गलती हो गई। आप तो बड़े आलू हैं, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर जाते जाते आप खुद ही यह हार मुझे दे जाते, मेरे पूछने की क्या जरूरत थी? चंदन गोपाल, अरे गुरु घंटाल, लाल की भेड़िया, इस हार की खातिर हमें बहुत मक्खन लगा रहा है, हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। चलो ऐसा सुन मत कीजिए गुरु घंटाल जी, आपको देखकर आपसे मिलकर मैं तो निहाल हो गया। अब यही रहिए, जितने दिन चाहे रहिए, और यकीन रखिए आज के बाद इस काली जुबान पर यह हार का नाम भी नहीं आएगा। चाहे गुरुदेव तो ठीक है, हम यहाँ रहने से पहले देखना चाहते हैं दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ कितनी हैं। हाँ जरूर जरूर, मैं आपका, ये घर आपका, मैं सारा मकान आपको दिखा देता हूँ। चलिए जाए गुरुदेव, पधारो गुरुदेव। वाह 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 वाह, उल्लू के तुम घर में इतना बड़ा तालाब क्यों खुदवा रखा है? ये तालाब नहीं है गुरु घंटाल जी, ये स्विमिंग पूल, इसमें घर के सब मरेंगे क्या? नहीं नहीं, तैरेंगे तैरेंगे, आपको तैरने आता है गुरु? चंदन गोपाल, ये बटली कौन है? बटली? जो खूबसूरत लड़की हमारे गुरुदेव को पसंद आ जाए उसको बटली कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है बटली। गुरु घंटाल जी, ये हमारे घर की बटली है। चलिए चलिए, उधर आपको फूलों का बगीचा दिखाता हूँ। मारी के बच्चे, चंदन गोपाल बड़ी सुंदर बटली है, बिल्कुल कच्ची कली है। सेमी डार्लिंग। यस डियर। कौन है ये लोग? ये लोग हमारे मेहमान है सीधा। अरे गुरु, जाते जाते तुम्हारी बटली तुमको हाय करके गई है। क्या क्या कोशिश करने पर भी जो क्राश कमल हार हमारे हाथ नहीं आया, समझ में नहीं आता इस कंबस को कैसे मिल गया। हार के बदले में मेरी महबूबा चाहता है, ऊपर से हमें कुत्ता उल्लू का पट्टा चमचा भैंसा बना दिया, सारा पार्ट पार्ट में गाली निकालता है। यही तो तकलीफ की बात है। क्या बोला क्या बोला, बोल बोल कर हमसे ही वो गालियां सुनकर खुश हो रहा है। कुछ करो डैडी, अब उसे और बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूं, कंबख्त ने शर्ती कुछ ऐसी लगा रखी है, ये कंबल वाला मामला है, मैं वो हार नहीं छोड़ूंगा, और वो अब कविता को कभी नहीं छोड़ेगा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? किसी तरह से कविता को रिक्वेस्ट करते हैं 3-4 दिन तक इस मुसीबत से प्यार का नाटक वाटक।
क्या कहती हूँ डैडी, अपनी होने वाली बीवी को मैं उस मुस्तंडे के हाथों सौंप दूँ? ए बेवकूफ बेवकूफ, सौंपने की बात कौन कर रहा है, सिर्फ नाटक ही तो करना है। तीन चार दिन से बहला फुसला के जैसे ही हम हार हासिल कर लेंगे, लाश जमा कर उसे घर से निकाल देंगे फौरन। फिर तुम कविता से शादी करोगे, सारा जीवन ऐश करोगे, आराम करोगे। लेकिन तीन चार दिन बाद होते डैडी, अगर दो दिन की बात हो तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख सकता हूँ। ठीक है, दो दिन ही सही, मगर तुम पहले जाकर कविता को राजी तो करो। What? मैं उस गुरु घंटाल से प्यार करूं? प्यार करने को कौन कह रहा है डार्लिंग, प्यार करने का नाटक ही तो करना है। बस बस, तुम तो ऐसे कह रहे हो बस जैसे तुम जानते ही नहीं मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज डार्लिंग, दो ही दिन की तो बात है, मेरे लिए, इस घर के लिए, इस घर की इज्जत के लिए। कैसे प्रेमी हो तुम? मैंने अपना प्यार ठुकरा के तुम्हें अपनाया और तुम मुझे किसी गैर के हवाले कर देना चाहते हो? तुम मर्द हो क्या? क्यों ये पहनो, चले जाओ यहाँ से। प्लीज डार्लिंग, प्लीज डार्लिंग, मैं क्या क्या कर रही हूँ डार्लिंग, क्या कर रही हूँ मैं? प्लीज डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, प्लीज डार्लिंग। अच्छा बाबा, ये पहली और आखिरी बार कह रहा, फिर कभी किसी से प्यार करने को नहीं कहूंगा। मेरी जान, जरा ठंडे दिल से सोचो, अगर वो लाखों का हार हमारे हाथ आ गया तो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी, फिर ऐश ही ऐश, मजे ही मजे, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी होनोलुलु, कभी हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भी जा सकेंगे। स्विट्जरलैंड? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए मान जाती हूँ। ओ डार्लिंग, लेकिन याद रखना, सिर्फ दो ही दिन के लिए नाटक करूंगी। दो दिन से ज्यादा चाहिए भी नहीं, उसके बाद दिन भी अपने और रातें भी अपनी। तुम यहाँ कब से खड़े हो? खड़ा तो मैं तब से हूँ शायद, जब से आप कविता मेम साहब के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे। ओ, तो इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया। हम इसी बात का तो दुख है शायद, जमाना कितना बदल गया है सरकार। एक वक्त था कि मैं आपके लिए लड़कियाँ चुन के आपको पार्सल किया करता था, अब ऐसा वक्त है कि आप लड़की किसी और को पार्सल कर रहे हैं। आपका लेवल भी मुझ जैसा हो गया है शायद। बकवास बंद करो, मुझे अपने लेवल तक ले जाना चाहते हो? तुम्हारी ये हिम्मत, आज तक मुझे लड़कियां पहुंचाते रहे, यू ब्लडी सप्लायर। सरकार, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे जूते से मारिए, लेकिन मुझे सप्लायर मत कहिए, मेरे धंधे को गाली मत दीजिए। मैं आज का दिन देखने के लिए जिंदा क्यों हूँ? मेरी आंखें क्यों नहीं फूट जाती? मैं मर क्यों नहीं जाता शायद? रो मत बंसी, रो मत, तुझे रोता सुनकर कोई समझेगा हमारे घर में मातम हो गया है। मैं भी गुस्से में न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। सरकार, अपने चाय के बागीचे में एक नई कली खिली है, उसी की खबर देने आया था शायद। बंसी, अभी तो हमें अपनी खबर नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम ये पतली लस्सी पी पी कर तो दम निकल गया यार। आगे चढ़ा लो उस्ताद, जय बम बोले, जय गुरु घंटाल। अबे देख क्या रहा है, आंखें निकाल कर ऑमलेट बना दूंगा कबूतर। क्या कहा? कबूतर कहा? ओ गुरु घंटाल जी, एक खुशखबरी लाया था आपके लिए। बोल बे लंपट। आप हमें लंपट बोलिए या पैम्फलेट, हम बुरा नहीं मानेंगे। हमने फैसला कर लिया, वो बटली, बटली को आपके हवाले कर देंगे, आप वो हार हमें दे दीजिए। चुप्पे, हमें अलीबाग का परिंदा समझ लिया है? इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, पहले मैं दो दिन उस बटली के साथ बिताऊंगा और फिर गांव जाते जाते वो हार तुम्हें देता जाऊंगा। लेकिन तुमको डालिया, चोर का भाई गिरेगट, दोनों बाप बेटे एक ही ठप्पे के दिखाई देते हैं, कौन विश्वास करेगा तुम पर? दोनों लुच्चे नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? दोनों लुच्चे नजर आते हैं। आए, आप हमें बार बार गाली दे रहे हैं, आप हमसे बर्दाश्त नहीं होता बेटे? इनकी गालियाँ तो फूलों की डालियाँ है, सबर से, शुक्र से, प्रेम से, प्यार से, नकद से, उधार से, जो भी ये झोली में डाल दें हमें कबूल कर लेना चाहिए। तुम तो पागल हो, बुद्धू हो, उल्लू हो। सुना गुरु घंटाल जी, एक ही सांस में सारी बातें कह डाली, क्या मधुर भाषा है। मधुर भाषा? अभी तुमने हमारे गुरु घंटाल को नहीं सुना। गुरुदेव, निकालो अपना तीर कमान, दे दो इस पत्थर को ज्ञान। जय गुरुदेव। मान बरो सजना, तो हमने इस कहानी चोरकी से किनारा भी किया, लेकिन कविता समझकर गहरी चाल का जवाब भी दिया, दिलदार वाली नियत से, क्योंकि हम हमेशा जल मेल से गंगा जल लेकर आशा के साथ अपनापन की खुशबू का परिचय देते रहे, और जिसने भी हमारी जीने की राह से टक्कर ली उसे हमने अपना जानी दुश्मन समझकर लोक पर लोक का निशाना बना दिया।
देखा क्या चित्रमाला के मोती पिरोए हैं हमारे गुरु घंटाल ने। धन्यो हो, अब हमारे भी गुरु हैं, भाषा के परमात्मा। अब खुशामद करता है, मतलब की बात कर, मतलब ही कहा है हमारी बटली। ओ बटली, बटली वो मंथन करा रही होगी आपके लिए। ओए बजर बट्टू के जंबल के माल, अरे दिखा कोई कमाल और दे मेरी ताल पे ताल। अपनी मोहब्बत से सब लोग जलते हैं, अपनी मोहब्बत से सब लोग जलते हैं, चल अंदर चलते हैं। अपना क्या लेते हैं, जलने दो जलते हैं, चल बाहर चलते हैं। अपनी मोहब्बत से सब लोग जलते हैं, चल अंदर चलते हैं। अपना क्या लेते हैं, जलने दो जलते हैं, चल बाहर चलते में प्यार करें, पूछो इनको तकलीफ है क्या। मस्ती में तो हम हैं, मस्ती में तो हम हैं, ये क्यों गिरते संभलते हैं। अपनी मोहब्बत से सब लोग जलते हैं, चल अंदर चलते हैं। अपना क्या लेते हैं, जलने दो जलते हैं, चल बाहर चलते हैं। लगता है कि
कविता हंस रही है। हंस रही है और यहाँ कलेजे पर चुड़ियां चल रही है। न जाने दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। गाना गाते वक्त भी जब उल्लू का पट्टा मेरी कविता पर हाथ डालता था तो ऐसा लगता था मेरे दिल पर कोई घुसा मार रहा है। जिंदगी में पहली बार अपनी बेबसी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। टेडी क्या हुआ बेटी? क्या हुआ डॉली? ये पूछो क्या नहीं हुआ? आप लोगों ने बोला था कि प्यार का नाटक करना है। हाँ? मुझे क्या पता था कि नाटक ही नाटक में मेरी किस्मत का भाटक भटाक से बंद हो जाएगा। तुमने भी डॉली की भाषा शुरू कर दी, लेकिन आखिर हुआ क्या? वो इंसान है क्या? बाप रे बाप, एकदम जंगली जानवर है। पहले उसने मेरा दुपट्टा खींचा, फिर मेरी चोली फाड़ने की कोशिश की। बस और तो कुछ नहीं किया ना? पल भर में और भी कुछ हो सकता था। बड़ी मुश्किल से बच के आए हो। बच्ची, तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इस घर की इज्जत की खातिर थोड़ी सी तकलीफ और उठा लो बस। मैंने कह दिया ना मुझसे और कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए तो आप ये कपड़े पहनिए, जाइए अंदर और उठाइए तकलीफ। मैं चली। मांगा था हार, मिल गया दुपट्टा। बहुत मक्खन लगाया उस गुरु घंटाल को, कमस्त किसी तरह काबू में नहीं आता। आप कहे तो रात को सैले की गर्दन ही काट लूं हार समेत। उल्लू का पट्टा मेरी कविता के ब्लाउज के पीछे मर गया था। कहाँ है वो गुरु घंटाल का बच्चा? हम उसकी बोटी बोटी उड़ा देंगे। क्या बात है सरदार? कहाँ छुपा रखा है उसे? बाहर निकालो, नहीं तो हम इसी वक्त तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरे घर को आग लगा दीजिए सरदार। लेकिन उसने आखिर क्या किया है? हमसे पूछते हो कि क्या किया है? हमारे गुरु की हत्या करके वो गुरु घंटाल हमारे गुरु के कीमती हार के साथ यहाँ आकर छुप गया है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुंह क्या देख रहे हो सरदार, आगे बढ़ो। ठहरो 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 ठहरो, आप लोगों को धोखा हुआ है। ये सच है कि गुरु घंटाल कल रात को यहाँ आया था, मगर मैंने उसे घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। वो रात बरामदे में गुजार कर सुबह सुबह न जाने कहाँ खिसक गया है। मगर फिर भी मैं अपने नौकर से पूछकर आप लोगों को बताता हूँ। जल्दी करो। चलो प्रेमी। हमें गुरु घंटाल को फौरन हिफाजत की जगह छुपा देना चाहिए। अगर इन जंगलियों के हाथ लग गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन उसे छुपाएंगे कहाँ? उसे अपने क्लास चेंबर में ले चलते हैं। हार लेने के बाद उसकी जल समाधि भी वहीं बना देंगे। मैं उसे पठाता हूँ, तुम इन जंगलियों को पठाओ। आइए आइए गुरु घंटाल जी, यह आपकी हिफाजत के लिए ऐसी जगह है जहाँ किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चले। अरे फरिश्तों को छोड़ो, पर तुम भी कम शैतान नहीं हो। पानी की तह में क्या शानदार जगह बना रखी है, कमाल है। तुम बड़े घोंचो, लुच्चे, लफंगे, लंपट्टो। आज तक मैंने तुम दोनों की हर बकवास बर्दाश्त की है, मालूम है किस लिए? हाँ हाँ मालूम है, हम भी अपने वचन के पक्के हैं। ठन ठन को बाल घंटाल दे दो हार। ये लोहा। इस हार को हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। इस हार को तुमने अब तक दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा, आज मेरे हाथ में है। इसका मतलब है उस आदिवासी सरदार ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे वचन दिया था कि यह हार वो मेरे सिवा किसी और को नहीं देगा। मैंने तो उसे उसके कुलदेवी के गले में डालने को दिया था। लेकिन उनके गुरु का गला काट कर एक ही झटके में गुरु घंटाल यह हार यहाँ उड़ा लाया है। जान के आज 20 साल से तूने इस हार के खातिर मुझे बहुत तड़पाया है, लेकिन आज मैं तेरी सारी मुसीबत दूर कर देता हूँ। बांधो इसे। सुनो, धरती के सीने पर किसी को ऐसी मौत नसीब नहीं हुई होगी, मौत जो दुनिया के लिए होगी कठोर भयंकर, मगर तेरे लिए होगी अति सुंदर। जब वो जल प्राणी झिझोर झिझोर कर तेरे बदन को तोड़ मरोड़ कर तेरे प्राणों को तेरे शरीर से जुदा करेंगे, तो यह खूनी तमाशा मेरी आंखों में एक अनोखा नशा ले आया। फिर भी यह मौत को उपहार तुझे देने से पहले मैं तुझे मौका दे रहा हूं, अच्छी तरह आखिरी बार जी भर कर यह हार देख। बेवकूफ, जिस हार को पाकर तू धरती पर पाँव नहीं रख रहा, वो हार नकली है। नकली? गुरु घंटाल। हाँ दीवान, सिर्फ ये हार ही नकली नहीं, इस हार के साथ ये बंदा भी नकली है। तुम? हाँ मैं। रुक जाओ, बिल्कुल घोंचे हो तुम दीवान, अपने दुश्मन को कमजोर समझ बैठे। अब तुम्हारी शराफत इसी में है के जानकी देवी को इज्जत के साथ घर पहुंचा दो, वरना बड़ी बेदर्दी के साथ तुम्हारे इस जल महल में तुम्हारी जल समाधि बना दी जाएगी। चलो बेटा। रेमी, यहां नकली है,
असली हार बंबारा की बस्ती में उनकी कुंडेली के गले में है। मैं इन आदमियों को लेकर वहां जा रहा हूँ, तुम राजा को संभालो, चलो। राजा गणेश, कविता और जानकी देवी को लेकर तू यहाँ चल, 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 चल। बच्ची। ये वक्त इमोशनल सीन का नहीं है, इमोशनल सीन का नहीं है। निकल चलो भागो यहाँ से, भागो, चलो भागो, भागो, भागो। मुर्गी चोर बंटी लाल शायद क्यों बंटी लाल जी, जो चीज मिल जाती है उसको जेब में रख लेते हो, चलते हो। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? मेरे बाप का क्या जाता है, मगर जो तुम्हारी जेब में चीज है मालूम है क्या है? क्या है? बॉम्ब है शायद। बॉम्ब? हाँ, देखो 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 देखो। अपनी मौत भी कह सकते। नादान, अभी जान बचाना चाहते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम भी अपने बाप की तरह बिन मौत मारे जाओगे। जिंदगी किसका साथ देती है और मौत किसका, यही फैसला तो करने आया हूं।
जी, 20 बरस पहले अपने गुनाहों की जो कहानी तुमने शुरू की थी, आज तुम्हारी जिंदगी के साथ इस समाधि पर खत्म होती है। पिताजी, जिस शैतान ने आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाला, आज उसी के खून के साथ आपके बेटे ने आपके माथे का कलंक पिटा दिया। उस दिन की बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहता हूं। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, आपने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा। मुझे तो खुशी है कि आज मैंने पिताजी के माथे पर से बदनामी का दाग मिटा दिया। और सरदार, यह सब कुछ आप और आपके साथियों की मदद की वजह से हुआ है। आपकी बस्ती उजड़ने का अफसोस मुझे भी है, और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए नई कॉलोनी बनवा दूंगा। आपकी मेहरबानी का साया हम पर रहे, हमारे लिए इतना ही बहुत है हुजूर। आप लोगों के दिल मिल गए, हमें पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। आज जीते जी तुम्हें अमानत सौंप कर हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। नहीं सरदार, इस कुलदेवी की बदौलत ही यह शुभ घड़ी आई है। यह राजकमल हार आज हम अपनी खुशी से तुम्हारे इस कुलदेवी को भेंट देते हैं। हमारी तरफ से इन्हें पहना दीजिए। अरे कुछ पहनने पहनाने का मौका ही है तो लगे हाथों एक शुभ काम और कर दिए। तुझे हमारी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अरे जब कविता से होगी तुम्हारी शादी मेरे राजा, तभी तो जल्दी से बजेगा मेरा भी बाजा। अरे शादी से पहले ही मारने लगी, शादी के बाद भी तो यही करना है। सामने आना, मैं बांध रहा